कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपके लिए बिल्कुल यूनिक वीडियो लाई हूँ। और ये वीडियो आज की, आज महाराष्ट्र में ट्रेडिशनल फेस्टिवल है वट सावित्री पूर्णिमा, यानी कि पूनम है आज, तो हमारे यहाँ पे बहुत खास मानी जाती है। और मैं यहाँ बुआ के घर आई हूँ और ये छाया मेरी सहेली है यहाँ की, और हम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं हर फेस्टिवल साथ में ही, क्योंकि फेस्टिवल अपने रिलेटिव्स अपने लोगों के साथ मनाना बहुत अच्छा लगता है। अभी हमारी बुआ जी भी आएंगी साथ में, और उनके घर के सामने ही बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ की पूजा होती है, क्योंकि ऐसी एक कथा है इसके बारे में कि सावित्री थी जो अपने पति, उसका पति मर गया था तो उसने यमराज जी से लड़ के वापस लिया था। आज के दिन सुहागनों को आज के दिन कपड़ा या कुछ दिया जाता है, तो मैं ये साड़ी ये आंटी जी के लिए लाई हूँ और ये बहुत खुशी से पहनेंगी और उनकी ओटी भी भरेंगे हम, क्योंकि हमारे इधर ऐसे सुहागनों की ओटी भी फल के साथ भरी जाती है। और हमारे खेत में जो गेहूँ आता है उसे उस साथ में देते हैं। अभी हमने छोटा सा दान भी कर दिया और इसी तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। अभी हम सबके लिए दुआ मांगेंगे बहुत सारी, सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद लेंगे। और अभी हमारे और अभी मैंने भगवान भी कर ली है करेंगे। और अभी सबके बाद यहाँ पे धागा बांधा जाता है। मैंने बोला था ना कि ये धागा बांधते हैं, सात फेरे लेते हैं इसके, और इसी इससे आशीर्वाद भी मांगते हैं कि अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है, आरोग्य उसकी सेहत के लिए भी प्रार्थना की जाती है, और यही पति सात जन्म तक मिले यही दुआ मांगी जाती है भगवान से, ये बरगद के पेड़ से। और ये सबका सबको सद्बुद्धि दे, सब सही करे। और अभी ये बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ यहाँ पे होती है और हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, हर साल ये हम मनाते हैं। और अभी तो ये बहुत
मतलब 1-1.5 साल बाद फेस्टिवल मना रहे, तो सब बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा सब अच्छी तरह से मनाया जा रहा था। और अभी सब ये बड़ा सा बरगद का पेड़ है और वो यही पूजा हो जाती है। ये बहुत छोटा था तब से हम लोग यहीं पे पूजा करते हैं। हमारे गांव में तो बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बरगद के पेड़ है कि 1 मीटर तक धागा बस एक ही राउंड में लगेगा। और इसी सारी बातों के साथ छोटी छोटी बातों से खुशी ले लेते हैं और हमेशा लाइफ में खुश रहने की कोशिश नहीं, हम खुश ही रहते। और अभी हमारे पूरे हो गए 7, तो यहाँ पे फिर से वो बांध देते हैं। और व्हाट्सएप पे अभी बहुत सारे मजाक भी किए जाते हैं इसके ऊपर कि बोलते हैं कि जब ऐसे हम फेरे लगा रहे होते हैं और कोई और दूसरा बीच में घुस जाता है। अभी गर्दी मतलब भीड़ कम है इसी वजह से, नहीं तो कोरोना नहीं था तो सब बहुत ज़्यादा थे, तो फिर वो इधर से उधर हो जाता। फिर बोलते कि क्रॉसिंग हो गया, तो मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, ये धागा यदि क्रॉसिंग में चला गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सब बस जोक जोक है, ऐसे कुछ नहीं होता। तो अभी हम बुआ जी के साथ कुमकुम देंगे, कुमकुम और हल्दी कुमकुम से ओटी भरेंगे। फिर ये सब बातें करते रहते हैं। 5, 7 या 9 अपने हिसाब से जितनी चाहे अच्छा होता है, जितना हम सुहागनों को ओटी भरे और उनके झोली में फल फ्रूट डाले और फिर आशीर्वाद लें उनसे। और अभी छाया को भी दे देते हैं। ये हम लोगों की बहुत सालों की दोस्ती है, तो साथ में ही बुआ के पास ही रहते थे। तो अभी हम लोग आना जाना था तो बातें होती थी, तो अभी हम पक्के दोस्त बन गए। तो और यहाँ पे कविता भी थी, उसने मुझे रेडी किया लेकिन उसकी छोटा बेबी था तो वो रोने लगा, घर पे चले गए। नहीं तो आज उसको भी अभी मिस कर रहे। और लेकिन हम लोग है ना, जब फेस्टिवल मनाते हैं तो हमारे सभी घर हमें याद आते हैं कौन कौन साथ था। और ये आंटी जी तो मुझे पता भी नहीं कौन है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होता कि जान पहचान के हो। अलग अलग लोग गो से भी किया जाता है, हल्दी कुमकुम देते हैं, उटी भरते हैं और बड़े प्यार से ऐसे ऐसी तरह से करते हैं कि जैसे वो अपना हो, क्योंकि जानते भी नहीं फिर भी, क्योंकि वो एक सुहागन होती है वहाँ पर और एक भगवान के पास आती है। तो सभी बोलते हैं ना कि भगवान के घर आए तो सभी एक माँ के बच्चे बन जाते हैं, उसी तरह से हो ये जब महसूस होता है ना। ये कहाँ महसूस होता है, ये जब आप मंदिर जाओगे या पूजा स्थल पे जाओगे तो तब समझ में आएगा कि ये सही बोला जाता है कि जब हम कई होते हैं तो एक माँ के बच्चे बन जाते हैं। अभी इसको भी मैं जानती नहीं हूँ लेकिन देखो कितने प्यार से वो भी बोले और मैं भी। और इसने ना जो साड़ी पहनी है ये बिल्कुल महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल लुक है। मैं भी पहनना चाहती थी लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी। और अभी ये नए नए लड़कियों की शादी हो रही है तो वो ले ही रहे शादी में, तो इसीलिए। और इसकी तो पहली बड़ी सावित्री पूर्णिमा है, भगवान करे इसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए। और फिर हम लोगों ने भी एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को, और ऐसा नहीं एक ने दिया तो दूसरे को देना ही पड़ता है, बस 5-7 अपने हो जाए तो बस, और ले कितने भी किसी से ले सकते हैं। बस इसी तरह से हंसी खुशी त्यौहार मनाते हैं। और अभी यहाँ पे संतोषी माता जी का मंदिर है, वहीं जाएंगे अभी उनको। लेकिन उनको हम बिल्कुल नहीं चढ़ाते क्योंकि संतोषी माँ को खट्टी चीज़ें मना है, तो वहाँ हम नहीं देते। बस हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे, मीठा रखेंगे और फिर प्रेयर करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ये ट्रेडिशनल लुक बहुत अच्छा है ना हमारा महाराष्ट्रियन लुक। नेक्स्ट ईयर मैं भी पहनूंगी, मैं भी ले लूँगी, तो अभी पहनेंगे। तो अभी भी हमारी हो गई थी जा, लेकिन आज मंदिर बंद रखा है क्योंकि मंदिर कई दिनों महीनों जब से लोग कोरोना आ गए तब से मंदिर बंद ही रहते। और ऐसे ट्रेडिशनल फंक्शन के दिन तो बंद ही रखते क्योंकि बहुत मंदिर खराब हो जाता है ना, और सब हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं, कहीं भी कुछ सब भी नहीं आता, तो इसी वजह से बंद रखते हैं। तो अभी हम संतोषी माता की पूजा करेंगे और उनसे भी बहुत सारा आशीर्वाद लेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे। और आज तो हम सबसे बेस्ट विश मांगेंगे कि इस कोरोना को जल्दी से दुनिया से भगा दो, बस भगा दो माँ,
बहुत हो गया इसका, और हम अभी रह गए था छाया और हमारा, तो अभी उसने ब्यूटी भर दी। अभी हमारी सब जैसे हमने सोचा था, जैसे हम चाहते थे, उसी तरीके से हमारी पूरी पूजा पूरी हुई। और अभी हम निकलते हैं घर की ओर, बहुत सारी मीठी सी यादें साथ में लेके अभी हम जाएंगे घर। और घर भी मेरा पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बुआ जी के घर और मेरे घर में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसीलिए हम साथ में करते। तो अभी चलते हैं हमारे ओर। ये बोलते कि एडवांस बुकिंग है 7 जन्मों की, तो अभी हम हमारी पूजा पूरी करके घर के ओर आ रहे हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।